हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुदर्शन चक्र के बारे में। सो चलिए करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में सुदर्शन चक्र को सबसे ताकतवर बताया गया है। पृथ्वी लोक में कई बार श्री कृष्ण ने इसका प्रयोग किया है। कई बार पापियों का विनाश करने के लिए इसका प्रयोग, जिन्होंने पृथ्वी लोक में तबाही मचाकर रखी हुई थी। सुदर्शन चक्र इतना ताकतवर था कि उसे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के अलावा कोई भी प्रयोग नहीं कर सकता था। इसके जरिए महाभारत काल में चाहे समय को रोकना हो या शिशुपाल का वध करना हो, इस शक्तिशाली चक्र ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत साथ दिया। अगर उस शक्तिशाली चक्र की आज के रॉकेट से तुलना की जाए तो उसके सामने ये रॉकेट कमज़ोर नज़र आते हैं। लेकिन आखिर ये चक्र कहाँ गायब हो गया, क्या आपने कभी सोचा है? सुदर्शन चक्र के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के मन की बात मानता था। अगर एक बार श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को किसी की ओर छोड़ दिया तो वह चाहे किसी भी लोक में छुप जाए, सुदर्शन चक्र उसका पीछा करके उसे उसका अंत कर देता है। तो ये कोई आम हथियार नहीं था, बल्कि एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन का एक ही पल में सर्वनाश कर देता था। यह हथियार भगवान विष्णु का था, जिसे केवल भगवान विष्णु के अवतार ही धारण कर सकते थे। और ये ऐसा चमत्कारिक अस्त्र था जिसका निशाना कभी भी नहीं छुपता था। भगवान श्री कृष्ण जी भी किसी भी काम के लिए इस चक्र को जब छोड़ते थे तो ये वही काम कर आता था। आज जिस प्रकार रॉकेट की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, आज भी कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ऐसे हैं जो ये बात समझ नहीं, जिन्हें ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग बहुत बार कर चुके हैं। ये ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये गोल का पीछा करता था। दोस्तों, वैसे तो सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पास बचपन से ही था, लेकिन उस समय उन्होंने कभी भी इस चक्र का इस्तेमाल नहीं किया। पर महाभारत काल के समय कई ऐसे असुर और योद्धा थे जिनका पाप का घड़ा भर गया था। तब उनकी मौत के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। और यही वजह है कि जब श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों की तरफ से लड़ने की बात कही तो दुर्योधन भी डर गया था, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण चाहे तो कुछ ही समय में सुदर्शन चक्र से पूरी कौरव सेना का विनाश कर सकते थे। पर श्री कृष्ण ने जब महाभारत के युद्ध में शस्त्र ना उठाने की बात कही तब जाकर दुर्योधन शांत हुआ। किंतु वो ये भी जानता था कि भगवान श्री कृष्ण बिना हथियार उठाए भी अधर्म का विनाश कर सकते हैं, जो कि महाभारत में हुआ भी था। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को अपने राइट हैंड की छोटी उंगली में पहनते थे, जो देखने में बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे कोई चमकदार अंगूठी श्री कृष्ण की उंगली में तेजी से घूम रही हो। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस शस्त्र का प्रयोग किया था। उसके बाद सुदर्शन के इस्तेमाल का कभी भी कहीं भी कोई जिक्र नहीं मिला। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी लोक छोड़ देने के बाद सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। दोस्तों, कई ग्रंथों में यही लिखा हुआ है कि सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु समय में फेर बदल भी कर सकते हैं। इसके अलावा समय में आगे भी जा सकते हैं, जिससे आने वाले भविष्य और उससे दुनिया में आने वाले प्रभाव को भी देख पाते थे। यही कारण है कि महाभारत में भगवान कृष्ण ये जानते थे कि उनके बिना पांडव महाभारत का युद्ध हार जाएंगे। इसके अलावा भगवान कृष्ण ये भी जानते थे कि महाभारत के युद्ध में कौरवों को हराना आसान नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में धर्म की जीत के लिए कई बार छल का प्रयोग भी किया था। सुदर्शन चक्र को लेकर लोग अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना था कि ये चक्र भौतिक हथियार था ही नहीं, बल्कि ये भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा होता था और फिर भगवान विष्णु जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते थे, जो कि हवा के सहयोग जैसा था। तो ये सुदर्शन चक्र आज कहाँ मौजूद है? दोस्तों, सुदर्शन चक्र का आखिरी उल्लेख हमें महाभारत के युद्ध में देखने को मिलता है, जब श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद के लिए जैदल के वध के लिए सुदर्शन चक्र चलाया था। महाभारत में लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राजाभिषेक किया और वापस द्वारका लौट आए, तो करीब 36 साल के बाद गंधारी के श्राप के चलते श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग कर दिया। और श्री कृष्ण की पृथ्वी लोक को छोड़ने के बाद ही सुदर्शन चक्र भी श्री कृष्ण के साथ ही जमीन में ही समा गया, जिसके बाद श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को किसी ने भी नहीं देखा। पर कई ग्रंथों से ये भी पता चलता है कि श्री कृष्ण अभी भी पृथ्वी लोक में मौजूद हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र को ना तो कोई देख सकता है और ना ही कोई धारण कर सकता है। केवल जब कलयुग का अंत होगा और
पाप अपने चरम सीमा पर होगा तो विष्णु के अवतार कल्की के धरती पर जन्म लेने पर वही सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे, जिसके बाद वही धरती को पाप से मुक्ति दिलाएंगे।